अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मजार, आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज। गोशामहल नहीं है, एक मिनी इंडिया है। हम जो पैकेज दे रहे हैं यहाँ पे तेलुगु, मराठे, कन्नड़, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान तमाम लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, आकर ले जा रहे हैं। और अभी दूसरी बिरादरी के भी आ रहे हैं, हमारे लोध समाज के भाई बहन भी, बंधु भी, और कुछ जो फूड जिसको भी जरूरत है, तमाम लोग
यहाँ से जो है ना लेके जा रहे हैं सब, यहाँ पे जो भी मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, इसमें वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं। और ऊपर वाले का शुक्र है कि जो है ना ये फर्स्ट डे से लेके आज 6th डे तक हमने कंप्लीट किया। आज 6th डे, पहले दिन हमने 50 दिया, फिर 80 दिए, फिर 100 दिए, फिर 150 दिए, फिर 180 दिए और आज 200 दिए। इस तरह से 600 हमारे आज 200 पैकेज 200 फैमिलीज को मिला है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो मीडिया के जो कवरेज करिए है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं हाथ जोड़ के दिल से जो है ना उनका सम्मान करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए कि ऐसी सिचुएशन पे, महामारी के टाइम पे वो लोग जिस तरह से यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी चीज़, ऊपर वाले ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो आगे हम जो है ना और हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स वगैरह जो भी कॉपरेट किए हैं और इसको हम आगे तक जारी रखने का पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक ये महामारी बंद जिस तरह से, बस हमारे को ना पीएम साहब का सपोर्ट है, ना सीएम साहब का सपोर्ट है, ना किसी चीज़ का सपोर्ट है, ना हमारे को पार्टी से एक रुपया मिला, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये हम लोग आपस में मिलकर काम कर ले रहे थे। कुछ लोगों ने मेरे यहाँ पे सवाल किया था कि पार्टी से कुछ आना है, हमारी पार्टी में जेब का लगाना काम करने का है, आम आदमी पार्टी का मतलब ही वही है। और हमारी बहन साजिदा मैडम जो इस मुहिम में उतनी दूर से मेहनत करते हुए, जो कीमती समय देते हुए, सोशल एक्टिव रहते हुए भी, साजिदा सिकंदर, साजिदा खान, जो मैं दिल से मेरी तरफ से मैडम को जो है ना मेरी तरफ से मेरे ओर से आम आदमी पार्टी गोशामहल जनरल सेक्रेटरी बनाया मेरी बहन को। और रेणुका चौधरी जो भी गई है मैडम, उन्होंने भी बहुत अच्छा ताउन किया है। और मेरे फ्रेंड्स, मेरा स्टाफ और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने इस काम को पैकिंग करने से लेके हर वो चीज़ तक दिन रात एक करते हुए पब्लिक के सामने पूरा पैकेज तैयार करके बस पहुंचा रहे हैं। इसके अंदर हम दे रहे हैं तेल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 2 किलो चावल, हल्दी, मिर्ची, ऐसे कुछ 5-6-7 आइटम रोज कुछ ना कुछ चेंज करते हुए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी औकात, हमारे ऐसे के हिसाब से हम इतना कर रहे हैं भाई। और आप सबका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया, और आवाम का भी शुक्रिया कि वो लोग जो है ना मेरे कहने पे काफ़ी लोग मेरे घर के पास, मेरे आम आदमी पार्टी के ऑफिस के पास जो जमा हुए, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किए और पूरा कोई सिस्टमेटिक से काम हुआ है। पहले हमने हर एक का नाम लिया, नंबर, उस पर सीरियल नंबर डाले, उस हिसाब से हमने पहले पब्लिक को बता दिया कि आज 100 से 200 आदमी को मिलेगा, 200 से 300, इस तरह से हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से काम कर ले रहे, जिसके वजह से हमारा प्रोग्राम आजकल सुपर सक्सेस हुआ आज का प्रोग्राम। शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे गोशामहल में एमएम हुसैन भाई साहब जो खिदमत कर रहे हैं लॉकडाउन कोरोना में, बहुत काबिले तारीफ है। मैं भाई साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो महिला को हमें जो हिम्मत अफजाई करते हुए जो हमें ताउन करने का मौका दिए हैं, और हमारी महिलाओं को सब आज बुला के सबको ये पैकेजेस जो भी खाने पीने की अशिया है वो पहुंचा रहे हैं, वो हम खुश नसीब समझते हैं कि आज के इस मजबूर या मजलूम दौर में, क्योंकि हेल्थी वेल्थ है, तो ऐसे दौर में आपने ऐसा बेड़ा उठा के आवाम की जो खिदमत कर रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना हेल्थ को लेकर आप इतना बड़ा एकदम उठाए हैं। तो मैं भी एक पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आपने अभी अभी हमारे मीडिया ब्रादरी का शुक्रिया अदा करके उनको बहुत ही इज्जत के साथ उनके उनका रुतबे को आपने बढ़ाया है। हम खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे लोगों, भाइयों ने हमारे मीडिया ब्रादरी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं भाई साहब से भी छोटी अपील करना चाह रही हूँ मेरी मीडिया ब्रादरी से, ये लोग भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए, घरों के प्रॉब्लमों को फेस करते हुए भी आज बाहर फिर के कवरेज दे रहे हैं और बेहतरीन 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 कवरेज दे रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के हमारे भाई साहब एमएम हुसैन भाई साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट का दबाना गुजारिश कर रही हूँ कि एक दिन आप पर्सनल मीडिया ब्रादरी के वैसे भी एक प्रोग्राम लगा के
उनको भी आप कोऑपरेट करेंगे तो उनके घरों के फैमिली भी आपको दुआ देंगी, क्योंकि ऐसे हमारे हमको एक अजीब अजीब से यहाँ पे आपके पास पैकेजेस दिख रहे कि आप इतने सारे दोस्त अहबाब को लेके उनके पास से जमा करते हैं कि आप लोगों को तकलीफ दूर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लोग अपनी बीवी बच्चों को देखने नहीं, ये जमाने में नहीं हो रहा, नहीं हो सके, परेशान है, मार लेगा, मर जाने की नौबत आ गई। मगर अल्लाह ताला आपको जो ताकत दिया, आपको जो हिम्मत दिया, आपको जो सहर दिया, अल्लाह ताला से मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से तरक्की देगा, सहर देगा, हयात देगा, इज्जत देगा, पार्टी में आपको बहुत बड़ा पोस्ट है आज भी और आगे और तरक्की करना आप जैसे भाया, क्योंकि पब्लिक को मुश्किल वक्त में काम आ रहे हैं आप ऐसी मुश्किल घड़ी है, कोरोना से लॉकडाउन होके पूरे लोग घरों में बंद हो गए, सब बंद कर सकते हैं मगर खाना पीना पेट को बंद करने का काम नहीं कर सकते, जब तक इंसान सांस है, आस है, जान है तो जहां है गते। और ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तमाम रादरी के भाइयों और बहनों से भी अपील कर रही हूँ कि जिसके पास जो भी है, कोई दूध का इंतजाम, कोई चाय का इंतजाम, कोई पानी का इंतजाम, कोई खाने का इंतजाम, कोई मेटेरियल अजनास का इंतजाम आप करेंगे, और साथ में मीडिया ब्रादरी जो भूखी ब्रादरी हमारी कम्युनिटी में काम कर रही है उनके लिए भी आप लोग तावन करते हुए स्पेशल पैकेजेस लगाते हुए उनका उनको भी कोऑपरेट करेंगे तो हम खुश नसीब समझेंगे, क्योंकि हमें आज हर चीज दिखाई जा रही है वो सिर्फ मीडिया से दिखाई जा रही है। अगर मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रदर्स है, तो न्यूज बाहर आ रही है, खबरें बाहर आ सकते हैं और हमें दुनिया में क्या हो रहा है वो सब मालूम कर सकते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही हूँ कि मेरे मीडिया ब्रादरी के भाई जो भूखे काम कर रहे हैं लॉकडाउन में, कोरोना वायरस की वजह से हर जगह हर मुकाम पे फिर के अपना कवरेज ले रहे हैं, गवर्नमेंट को पहुँचा रहे हैं, पब्लिक को पहुँचा रहे हैं, तो हम खुश नसीब हैं कि हमारे देश में, हमारे मुकाम में, तेलंगाना स्टेट में। मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील कर रही हूँ के चंद्रशेखर राव साहब से भी कि आप मीडिया ब्रदरी के प्रेस के ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देके स्पेशल पैकेज रख के उनके फैमिलियों को भी संभालना है, क्योंकि सैलरीज कट हो चुके, पेंशन कट हो चुके, अगर एक स्पेशल पैकेज ऐसे मुश्किल वक्त में अगर देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो लोग खा के दुआएं देंगे, गवर्नमेंट भी अच्छे रहेंगी, पब्लिक को भी तकलीफ में काम आएगा, पैसे रख लेके जीने से फायदा नहीं है, फंड्स रख लेके